मामला पंजाब के मलेरकोटला विच सामने आया है जिथे शबाना पत्नी मुहम्मद अजहर जो कि 3 महीने तो गर्भवती सी अते कुछ तकलीफ होने ते शबाना अपने पति अते अपनी भैन नाल मोहल्ला जोड़ियां विच अपने घर च ही हस्पताल बना के बैठी सीमा नामी एक औरत कोल चली गई जिथे सीमा ने उसके पति अते भैन नूं बिना दसे ही उसनूं बेहोश करके उसका गर्भपात कर दिता। खबर लिखे जाण तक पीड़ित दे दसण अनुसार पुलिस वल्लों उन्हां दे बयान कलमबद्ध कर लए गए सन। पीड़ित शबाना के पति अजहर ने दस्या कि उन्हों का गर्भपात कराने का कोई इरादा नहीं सी ते उस दी पत्नी का गर्भपात करके सीमा नामी दाई ने उन्हों दियां उम्मीदां ते पानी फेर दिता है। उन्हें मांग की है कि उक्त दाई खिलाफ़ बनती सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए और शहर चल रहे इस तरह के लोग विरोधी सेंटर से नकेल पाई जाए। मामले संबंधी ड्यूटी से तैनात डॉक्टर चमनजोत सिंह बड़िंग अनुसार उन्हों की ड्यूटी दौरान शबाना पत्नी अजहर दाखिल हुई सी ते उसका इलाज चल रहा सी। इस मामले की बारीकी नाल जांच करन नाल डॉक्टरां दा दी टीम गठित की गई है। डॉक्टर करणवीर नाल हुई गलबात दौरान उन्हां कहा कि बोर्ड नवे सिरे तो पूरे मामले की जांच करेगा ते अजकल विच ही बोर्ड की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इस संबंधी थाना सिटी 2 दे इंचार्ज अनुसार उक्त मामले च दोवें धिरां दा समझौता हो गया है। गौरतलब है कि चाहे उक्त मामले च समझौता भी हो गया है पर जेकर गर्भपात करन वाली अनट्रेंड दाई कोल किसी तरह की कोई अथॉरिटी ही उक्त केस नूं हैंडल करन दी नहीं है फिर उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी बनती है जो अपने आप च एक सवाल है। लोगों ने दाई खिलाफ़ सख्त तो सख्त कार्रवाई करन दी मंग की। पुलिस ने बयान कलमबद्ध कर लए हैं पर 24 घंटे लंघ जाने के बावजूद अजे तक कोई कार्रवाई अमल च नहीं आई। इस संबंधी जदों संबंधित दाई नाल गलबात करने लिए क्लीनिक ते पहुँच की तो लोगों ने दस्या कि वह फरार है। की नाम है? मुहम्मद अजहर। अच्छा, की होया सी तेरे वाइफ नाल? मेरी वाइफ ने इतवार वाले दिन सुबह डेट मंगी भी ब्लैडिंग आने लगी। ठीक है, तो मैंने फिर आप मैं सहुरे दे तब तो मैंने उठे अपनी साली ने फोन साले ने कहा भी मेरी उन्होंने अपनी शिफ्ट नू लिया मेरी साली आई। फिर असं हॉस्पिटल जा रहे थे वो कहें हॉस्पिटल तो अपन डॉक्टर मिलना नहीं आप दाई दे भी मैंने भी उतो ही करवाया था तो आप दाई दे चलते हैं उदू चैक करा देने जे इन्नी कोई गल हो गई आप फिर आप दिखा देंगे। तो अस उ पहुंचे तो जो मेरी घर वाली है तो उत्थे वो रास्ते ही बेहोश हो गई थी। ठीक है, तो उत्थे जब पहुंचे तो फिर मैंने अभी साली ने कहा भी तू कपड़े के पैसे चक ले भी इन्हें देने पैण। तो जी दाई है सीमा दाई जोड़िया तो गए अस जब वो घर तो वो कुड़ी ने गेट खोलिया तो उन्होंने नाल मेरे लग के बैड पर पवाई। तो फिर सीमा दाई आई तो उन्हें चेकअप कर रहा और ऑपरेशन करता जब कि सानू कुछ पूछे नहीं सानू बाद दसे ही कर करके मंग करते सी तो मंग करते जी उन्हें सस्त तो सस्त सज़ा मिले एक अज साडे नाल होया था कल किसी होर नाल ना हो गई गल। ठीक है, की नाम है जी? शुभाना। अच्छा, की होया थोड़े नाल की प्रॉब्लम सी तुम्हें? मैं 3 महीने की प्रेगनेंट सी मैं। अच्छा। हाँ जी, मैं संडे वाले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मेरी भैन तो मेरा घर वाला मैंने सीमा के को लेके गए मेरी भैन को पता सी सीमा कौन है? डॉक्टर दाई है जी एक। अच्छा। दाई पुने का काम करती है। कितने करती है? जोड़ियां चौदह घर है। अच्छा, घर ही बनया हुआ सारा सिस्टम। फिर मेरी भैन ने मैंने कहा भी आपां पहले उन्हें दिखा लें अब संडे अस्पताल का कोई पता नहीं। ठीक है, वो कहते ठीक है आप उत्थे चलते हैं असं उत्थे चले गए। जाने के बाद उत्थे तक जो पहुँचे रास्ते के बीच लगता मैंने बेहोश हो गई थी मैं। ठीक है, उत्थे तक जाने मैंने कोई होश नहीं हुआ। जब मैं उठी हाँ पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा उस तो बाद मैं उठी हूँ मैंने पता लगे भी उन्हें बेहोश नहीं करता। मेरी सासू ने सारे उत्थे पहुँचे हुए थे काफ़ी रौला पै रहा उत्थे मैं पता नहीं बिना दस्से करता मैं कुछ नहीं पता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਮੈਡਮ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅਜ਼ਹਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ? ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਵਿਗ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਫਟੀ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪਲੱਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ MLR ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਦੋ ਗਾਇਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਵਾਨਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵਜਾਈਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਕੀ MLR 'ਚ MLR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਵਜਾਈਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਵਜਾਈਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੂਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ।